लोकसभा चुनाव के तहत दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में होने वाले मतदान के लिए अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। इसी को लेकर इस चुनावी माहौल में कांग्रेस भाजपा पर अपने आक्रामक तेवर दिखा रही है। इसको लेकर एक बार फिर से कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की 5 गारंटी को घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि थोड़ा हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में यह गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब 4 जून को मतगणना होगी तो निश्चित रूप से 7 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे। जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके मुख्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आज की मीटिंग थी और इस मीटिंग में सभी ने ये प्रण लिया है कि आने वाले जो कैंपेन का समय बचा है उसका सही लाभ उठाते हुए लोगों के घरों तक जाकर कांग्रेस की 5 गारंटियों को पहुंचाने का काम करेंगे और 25 तारीख को डॉक्टर उदित राज जी के रूप में जो हमारे कैंडिडेट हैं, एक मजबूत कैंडिडेट जो सोशल जस्टिस की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, उनके लिए मजबूती के साथ लोगों के एक एक घरों में जाकर अपील करेंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी से कॉन्टिट्यूशन का काम कब तक हो पाएगा? लगातार जारी है, कई मीटिंग्स उससे संबंधित हमारी मीटिंग हो चुकी है कोऑर्डिनेशन की, छोटी मोटी क्योंकि एक नया गठबंधन हुआ है थोड़ा समय लगता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गठबंधन मजबूत है और सभी साथी एक दूसरे से काम करेंगे। गठबंधन तो हो चुका था, नहीं लगता कि उनको पहले से बनाकर रखना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट आएगा? नहीं, लगातार उनका सहयोग मिल रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में ये गठबंधन और मजबूत होगा। नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ वेस्ट में भी, चांदनी चौक में भी इसी प्रकार से इंडिया गठबंधन ने 7 की 7 सीटों पर एक अच्छा गठबंधन तैयार किया है। सब लोग मजबूती के साथ वोट मांग रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। इसके अलावा पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस देश का मतदाता करवट बदल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, मंगलसूत्र जैसी बातों पर उन्हें शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री कभी किसी दूसरी पार्टी का नाम भी नहीं लिया करते थे, लेकिन इनका एजेंडा केवल इतना है कि कैसे दूसरी पार्टियों पर कटाक्ष किया जाए। देश का मतदाता करवट ले रहा है और करवट ले रहा है विपक्ष के पक्ष में। उस करवट को जितनी तेजी से कार्यकर्ता दिलवा देंगे उतनी कम सीटें आएंगी बीजेपी की। धर्म का तो मामला उनका फेल हो गया और कहीं कहीं कहते हैं कि वो कर रहे हैं हम क्या मंगलसूत्र। क्या प्रधानमंत्री होके छोटी बातें करते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे? यानी प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा रखनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। मेरा राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि शुरू के मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो दूसरी पार्टियों का नाम तक भी नहीं लेते थे। नेताओं की तो बात छोड़ो, सिर्फ अपनी पार्टी की बात करते थे। ये इनका एजेंडा ही सिर्फ ये है कि दूसरी पार्टी के लोगों को कैसे आक्षेप करें, कैसे उनको बदनाम करें। लेकिन लोग समझ गए और मैंने जैसे कहा कि आम मतदाता अब तैयार है। बैठक के बाद उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज ने भी महिला सशक्तिकरण और रोजगार के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है और आजादी की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो बरकरार रहेगी। दो जिलों में लोकसभा विभाजित है। आज प्रमुख कार्यकर्ता कांग्रेस यहाँ पर आए और प्रदेश अध्यक्ष का संबोधन हुआ और हम और इस लोकसभा के जो प्रभारी है चौधरी वीरेंद्र जी का और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बारे में भी चर्चा हुई है और हम सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और दो गारंटियां हैं राहुल जी की, कांग्रेस की, कि हर शिक्षित बेरोजगार युवा को साल में 1 लाख रुपये और हर गरीब परिवार को, महिला को साल में 1 लाख रुपया
इस संदेश को हम पहुंचाएंगे। गौरतलब है दिल्ली में छठे चरण के तहत होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। 25 मई को इस मतदान प्रक्रिया के लिए अब सभी प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी के मद्देनजर गुरुवार को उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक की गई। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की उपस्थिति में किराड़ी और रोहिणी जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद हुए। इस कार्यकारिणी बैठक में पार्टी की तरफ से बूथ मैनेजमेंट पर भी विशेष जोर दिया गया। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।